एक काम करो, जल्दी लड़की दिखाओ, हमें और भी लड़कियां देखने जाना है। ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले आप अपना जूता निकालिए। लड़की दिखाओ, क्या पता जूता आपने अभी निकला है। ये मुझे छेड़ रहा था। ओ भाई छेड़ू लाल क्यों मेरी बेटी को छेड़ रहा है? अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा ना तो मैंने तेरे अंदर इंजेक्शन डाल देना, फिर मैंने उसको तोड़ देना, जैसे जज तोड़ते ना अपना पेन। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? दो दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है। एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था। बोल। हैं, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा। पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन अच्छा। मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया। हाँ। उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हाँ, पीछे से निकल गया। पीछे से निकल गया। हाँ। फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो। लेकिन लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो हेलो, आप मैथ वाले सर की बीवी बोल रही है ना? हाँ सर, कहाँ है, बात करनी है। अरे तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे सर मर चुके हैं। अरे आंटी सुन के अच्छा लगता है। अरे सासू माँ, इतनी भीड़ क्यों लगी है घर के बाहर? पता नहीं है, मैंने तो बस इंग्लिश में इतना कहा था कि हमारे दामाद जी आ रहे हैं। ऐसा क्या बोल दिया आपने इंग्लिश में? टुडे सनी लियोन इज कमिंग। पागल औरत की माँ सनी लियोन नहीं, सन इन लॉ होता है यार। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्लासरूम से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया। आपने मुझे कब कहा फोन करने के लिए? 12 साल पहले। What do you mean by 12 साल पहले? जब सीनियर ईयर में तुम मुझसे प्रॉक्सी लगवाते थे और एग्जाम्स में मेरे पीछे बैठ कर मेरा पेपर कॉपी करते थे। नहीं नहीं बट साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? और तू क्या पहली दफा किसी को उठा रहा है? अभी तूने लड्डू उठाया। बट साहब, लड्डू में और लड़की में बड़ा फर्क। दूसरे ममालिक में जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो उधर एक प्यारा सा स्टेज बनाया जाता है, जहाँ लड़का और लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। ते एक साढ़े पाकिस्तान च मुंडे नू घर दा चौकीदार बना के ते आप सारा टब्बर कुड़ी नू अंगूठी पान गया हुंदा। प्रेम भाई प्रिया का इनकमिंग तो फ्री है। अरे फोन लगा, काट, मिस कॉल दे, वो फोन करेगी। अरे लेकिन वो मुझे से फतड़ू आदमी को फोन क्यों लगी? शिट द नेवर रीजन। फोन लगा। अच्छा बोलते हैं, इंसिस्ट करते तो लगाता हूं। काट। अरे काट लगा, काट काट लगा, ये क्या गेम है भाई? सैंडी सैंडी, दरवाजा खोलो सैंडी। तुमने मुझे झूठ बोला आरुष। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, भगवान कसम मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सैंडी, माय नेम इज सैंडी नॉट सैंडी। सैंडी प्लीज दरवाजा खोलो। आपका नाम क्या है मैम? सेजल। सेजल का मतलब है? बिल्कुल जरूरी नहीं है मैम, सच्ची मैं सेजल से जा। हाय बडी। आई एम नॉट योर बडी। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं खाओगी, मेरा दिमाग खा जाओगी। तुम उस ब्रीड की वैम्पायर हो जो दांत से नहीं चूसती, तब बड़ा स्ट्रॉ लगा के सारा खून पी जाती हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन? नहीं, मैं तो हमेशा बकवास करती हूँ। तुम? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। तेरे से मिली नहीं ना आज तक कोई। बटिंडा चल, मिलवाती हूँ। तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। एक मिनट मैं ना, इफ यू डोंट माइंड, तुमने गल पूछनी सी। हाँ जी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। ले भी तारिया बन गई गल। वेटर जी, सर आज नाश्ते में क्या है? सर टोस्ट पर शहद लगा दूं, खाओगे? नो वे, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकलता है और मैं किसी के मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। अच्छा तो फिर अंडा बना दूं? सब बुरा हमारे साथ ही होगा। एसी है तेरे दोस्त के कार में। ओ है अम्मा, उसे ज्यादा दिल ना ला ली, 3-4 दिन बाद वापस आना है। हाँ सही है, बेड़ा तांजे मिलो। बात अपने बाल कटवा लूं? कटवा लूं। पर इतनी मुश्किल से लंबे किए हैं।
तो फिर ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो फिर कटवा लो। पर लंबे बाल आपको भी तो पसंद है। तो फिर ना कटवाओ। पर मेरी फ्रेंड्स कहती है मेरे फेस पे शॉर्ट हेयर अच्छे लगेंगे। तो फिर कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं।